और बुरे समय में साथ चलने वाले कितने हैं ये बात पता चलती है। हौसला मत हार गिर करे मुसाफिर, अगर यहाँ दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। किसी ने मुझसे पूछा कि पूरी जिंदगी क्या किया, मैंने हंसकर जवाब दिया कि किसी के भी साथ मैंने धोखा नहीं किया। जिंदगी का ये वसूल बना लो, जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला दो। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या न चले लेकिन मन एक उड़ता परिंदा रखिए। किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई तुम्हारे पग काटने जरूर आएगा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। किसी को टूट कर चाहो मगर आदत मत बनाना, क्योंकि आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट कर रह जाता है। 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को पास्ट में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो इज्जत मिलती है और न ही मोहब्बत मिलती है, इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर किस्मत में होगा तो वो खुद आकर आपको मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती है। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सा लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार न मानने की आदत है एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। कौन कहता है कि तुम भगवान बन जाओ सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिलों में जनाब, किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो उसके साथ नहीं थे। देना शुरू कर दो, आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। उसने छोड़ा तब जाकर मुझे यकीन आया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं है किसी के लिए। किसी व्यक्ति के प्रति इतना समर्पण नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर लेते हो। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और न ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती है। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पे गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे, और आप जितने स्ट्रॉन्ग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी होती जाएगी। सब दिखता है कौन कैसा है, इंसान दिखता है अगर आपके पास पैसा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लाख निभाओ रिश्ता पर कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर इन आंखों में आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं होता। जो मजा बदल जाने में है वो मजा बदला लेने में नहीं होता। जो हर किसी का हो जाए उसका ना होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है, जीत तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल देना। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने के बजाय अपने रास्ते आप खुद बनाओ। आप पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज में कुछ बड़ा करके अपने एंडिंग जरूर बदल सकते हो। पहचान भले ही छोटी हो
लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मार के भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपकी संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले होते हैं। एक वादा खुद से भी करना, जो बात आपके माँ बाप को रुला दे ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है वो घर जाकर अपने माँ बाप को देख लेना। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। उधार और प्यार उन्हीं को दो जो उसे वापिस दे सके। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोग पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। महत्व हमेशा खुद को ज्यादा देना, क्योंकि अगर दूसरों को दोगे तो अपना आत्मसम्मान भी खो दोगे। धोखे सबके याद हैं, बस रिश्ते बनाए रखने हैं। सिर्फ इसलिए चुप रहता हूँ, हालात इंसान को वो बना देता है जो वो कभी था ही नहीं। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उससे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है वो इंसान चुप हो जाता है। ये सोचकर कि रिश्ते में दरार न पड़ जाए, हमने तेरी किसी भी बात का कभी भी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ है और ऊपर से अमृत भरा हुआ है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी देख के ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वो फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले हजार बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिनकी खुशहाल होती नहीं है उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया है जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते हैं जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आ जाता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने वाले से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके आप जैसे हैं वैसा व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजर अंदाजगी से, तो बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले रोशनी में न दिखाई देते हो पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती हैं। खामोश रहकर खरीद ली दुनिया हमने, लब से खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है।
दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में जमीर होना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पे आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजिया नहीं जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ ही होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोग को शायद झूठ पता ना हो, लेकिन झूठे लोग को सच हमेशा पता होता है। खुशनसीब हो तुम कि कोई तुम्हें मानता है, तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मूड को संभालता है। कभी तुम भी उसका साथ दो, हमेशा तुम ही नहीं बल्कि वह भी तुम्हारे प्यार को डिजर्व करता है। गाइस, मेरी बताई हुई इन बातों से आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए YTH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।